यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच बड़ी खबर पंचकूला से है। मानेसर प्लॉट आवंटन मामले को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें, पंचकूला विशेष सीबीआई कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट को लेकर आज सुनवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में ये सुनवाई की जाएगी। तो मानेसर प्लॉट आवंटन मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। शशि अरोड़ा हमारी संवाददाता पंचकूला से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। जी शशि, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जमीन को गलत तरीके से आवंटन करने का मामला था, उसमें जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई लोगों के, कई बिल्डर जिसमें शामिल है, कई लोगों के खिलाफ जो मामला इसमें दर्ज किया गया है, सीबीआई कोर्ट में मामला चल रहा है और इसमें मामले में आज सुनवाई होनी है। चार्जशीट की 80,000 से जो ज्यादा जो पेज की जो यहाँ पर जमा कराई गई थी कोर्ट में, उसकी स्क्रूटनी चल रही थी और आज भी हो सकता है कि इसमें स्क्रूटनी हो या इसमें कोई अहम फैसला भी आज सुनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो क्या लगता है इसके बाद हुड्डा की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, 80,000 की जो चार्जशीट जो पुलिस ने दायर करी है सीबीआई कोर्ट में, इससे तो साफ लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो मुश्किलें जो है बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि अरोड़ा तमाम अपडेट देने के लिए।